नमस्ते, गिरीश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेंट नंबरिंग। तो इसमें हम लोग मिथेन सीरीज जो है या फिर 0 से लेकर 100 के बीच में जो रेफरेंट्स आते हैं उसके नंबरिंग कैसे करते हैं उसको स्टडी करेंगे। इसमें R22, R12, R11 जैसे रेफरेंट शामिल होते हैं। तो फॉर्मूला है R-M-1, N+1 और P। ओके, उसमें R रेफ्रिजरेंट है और M मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, N जो है दैट इज़ हाइड्रोजन एटम और P जो है फ्लोरिन आइटम होते हैं। हम R22 का एग्जांपल लेंगे। R22 का केमिकल फॉर्मूला है CsClF2। तो इसमें कार्बन जो है एटम वो एक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो भी एक है और फ्लोरीन जो है दो है, क्योंकि दो लिखना है यहाँ पे तो दो है। अब ये जो वैल्यूज है इसको हम फॉर्मूला में डाल देंगे। M की वैल्यू क्या है, कार्बन एक है ना, तो यहाँ पर हम कार्बन की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, एक डाल देंगे, 1-1 कर दिया। फिर N क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक है तो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर N की लिख दी। फिर फ्लोरीन जो है दो है तो दो लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1-1 0, 1+1 2 और 2 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से ये जो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे नंबर आता है R22। तो इस तरीके से रेफरेंट की नंबरिंग की जाती है। थैंक यू वेरी मच।